ये देखो भाई लोगों, ये रही वो लेक्सस जो मैंने उस दिन पिछले व्लॉग में बताई थी आप लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइज, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, एक सेकेंड इसको पहनता हूँ पहले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो मेरे वीर और मेरे वीनियो, वेलकम बैक टू द पाथफाइंडर व्लॉग्स। भाई लोगों, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो अंकल आंटी फिर से शादी कर रहे हैं, मुसड़ी सजा रखी है इतनी इतनी पुरानी। तो भाई हम जा रहे हैं फिलहाल रिफ्यूलिंग के लिए, अपनी नहीं कार की, अपनी तो घर जाके होगी। अभी अभी सुबह सुबह हम उठ के मंदिर गए थे एंड मंदिर में हमने करे हैं पावन पावन महादेव जी के दर्शन, और दिन की शुद्धि और अच्छे अच्छे कामों की प्राप्ति उन्हीं से होती है ना। हर हर महादेव। अब जा रहे हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने वापस से घर, क्योंकि कुछ है हमें काम बहुत सारे। आई नो आई यूज सच वर्ड्स, थोड़े से कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाते हैं, बट एनीवेज आई नो यू लव मी ऑल एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए अपने चैनल पे। भाई लोगों, मजा आ रहा है। मैं एक दो गिव अवे प्लान्स कर रहा हूँ, बट ऑन अ सर्टेन यू नो एक वो लेवल पे आ जाए एक बारी चैनल, फिर करते हैं। और ट्रिप जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो प्लान कर रहे हैं, तो भाई मेरा मन तो है यू नो ठंडी ठंडी जगह पे जाऊँ, और मम्मी का मन है जयपुर वयपुर जाने का। तो जयपुर जो मम्मी बोलती है, तो मेरे सामने तो भाई अपना मुंबई एक्सप्रेस वे ही बार बार आता है कि वहाँ पर गाड़ी की यू नो क्या टेस्टिंग वेस्टिंग हो पाएगी अपनी, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स ऑलरेडी जा चुके हैं और वो दिखा भी चुके हैं कैसा हाईवे बना हुआ है। सो मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, बट कोई बात नहीं, सारे हम भाई हैं। उन्होंने पहले दिखा दिया, मैं बाद में दिखाऊंगा। उनका दिखाने का तरीका अलग है, मेरे दिखाने का तरीका अलग होगा। और ये अंकल बिना पीछे देखे रिवर्स कर रहे थे, इसलिए हमने इतनी ज़ोर से हॉर्न बजाया, क्योंकि बोल नहीं सकते ना, कुछ गाली वाली है ना। तो पेट्रोल डलवाते और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। भाई स्पीड लिमिट में चला रहे हैं, गाड़ियों के सामने है अपने वो चलान के यम देवता जी। अब गाड़ी चलेगी हमारी जिस स्पीड पे हम यूजली चलाते हैं, और क्या सेक्सी X5 बाहर आई है वहां से भाई। तो भाई हम जा रहे हैं, NSP टाइम दिखा रहा है 32 मिनट, और हमारी पहली मीटिंग है 12:35 एंड 12:39 का अराइवल है, तो उसको ख़त्म करना है हमें फटाफट से, तो इसलिए तेज़ गाड़ी चलानी पड़ रही थोड़ी। ओ नो, इधर से निकालेंगे अब। ओ नो, स्कूटी वाले भैया आ गए। स्कूटी से दूर, ताकि भैया को कुछ ना हो, और हमें भैया की जान प्यारी है। कैसे हो मेरे वीर और मेरे वीरनियो। भाई लोगों, भाई रात से जो तूफानी बारिश हुई थी है, मैंने कल सोचा था कि भाई मैं कैमरा उठा के रिकॉर्ड करूं, क्योंकि लाइटनिंग मेरे जस्ट घर के बगल में गिरी नीचे सड़क पे, और गार्ड की इतनी तेज़ आवाज़ आई चिल्लाने की, बट मैं उस टाइम पे जूम कॉल पे था, तो जूम कॉल से बीच में से उठ नहीं सकता था। एंड जो डेलीगेट्स थे वो बैठे हुए थे बाहर हांगकॉन्ग में, सो उनसे बात कर रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि अजी सी वो छैपिंग देयर, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने उनको बोला यार जस्ट अ थंडर स्टॉर्म यू नो, सो तो दैट इज़ अ थिंग। एंड अभी उस तरफ मेरे घर की तरफ तो बारिश हो रही थी, बट मैं अभी यहाँ पे दिल्ली के एंड पहुँचाऊँ, और यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बारिश हुई है, सड़कें गीली पड़ी हैं, बट अभी नहीं हो रही है। तो ये जो बारिश हुई है ना, भगवान जी ने कल गुरुपूर्व वाले दिन गुरु नानक जी ने बोला बेटा आओ दिल्ली वालों, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ और पॉल्यूशन से छुटकारा दिलवा देता हूँ। तो ये सिनेरियो हुआ है। सेकेंड थिंग भाई, मैं इतने दिनों से ना बड़ा टेंशन में चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाने का बहुत मन है, LED वाइट वाली, जो करण सहगल भाई ने लगवाई है अपनी फॉर्चुनर पे, और विकास भाई ने भी लगवाई है। और अब तो अपना ऑटो म्यूजिक एम्पोरियो का भाई वो खुल गया, डिटेलिंग डेविल स्टूडियो, यही मायापुरी में हमारी गैलेक्सी कारगर का कॉम्पिटिटर। कोई नहीं भाई, जम के कॉम्पिटिशन करेंगे, ठीक है, वो बड़े हैं तो क्या हुआ, हम भी कम नहीं, 10 साल से यहीं जमा के बैठे हैं। देख रहे भाई ये टोयोटा अल्टिस वाला भाई अननेसेसरीली डिपर मार रहे ला। अपन प्यार से चल रहे, वो देखो सामने वैगनर वाले को भी मार रहा है, हम प्यार से चल रहे थे, भाई ने ना उंगल कर दी रहे इसके लिए, अब इसको क्या लग रहा है जीत जाएगा। इसको अभी दिखाएंगे कि भाई नेक्स्ट वन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। 120 हॉर्स पावर 270 न्यूटन मीटर टॉर्क से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अभी इसको हम कटिंग स्किल्स दिखाते हैं अपनी। आ जा भाई, कहाँ रह गया, अरे तो बालक सा निकला, मतलब पीछे सेंटर वाले पे डिपर मार रहा है। वो देखो, दिखा डिपर, दिखा, वो देखो
ईगो हर्ट कर दी ना भाई की कटिंग दिखा के, अब हमसे आगे निकलो तो हम माने। जी गुड मॉर्निंग गाइस, की हाल चाल थोड़े, मैं क्या सारे अनु राम राम, सारे अनु सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे वीर और मेरे वीरनियो भाई लोगों, इतनी सुबह सुबह उठ के अपन लोग जा रहे हैं एक इवेंट पे, एंड बहुत ही बड़ा इवेंट है, बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स का है, ETT इकोनॉमिक टाइम ट्रैवल एनुअल कॉन्क्लेव 2। ठीक है, और शक्ल दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अगेदर पाथफाइंडर व्लॉग्स। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ETT इकोनॉमिक टाइम्स ट्रैवल कॉन्क्लेव एनुअल कॉन्क्लेव एडिशन 2। तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री से, सो लेट्स गो फटाफट से एरोस होटल नेहरू प्लेस। 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थी एंड अभी टाइम हो रहा है 10:09, तो हम थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड उसके बाद शायद से अपने को जाना पड़ेगा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर द मीटिंग पार्ट। बट अब अगर इवेंट लंबा चलेगा तो फिर शायद से ना जा पाए। ठीक है, और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ही चीज़ होने वाली है। पहले तो कल सुबह भाई मीटिंग्स हैं, कुछ कहाँ कहाँ मीटिंग है वो कल सुबह ब्लॉग में बता दूंगा, और अभी फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको नज़ारे भी दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, लेट्स गो एंड देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे। वी आर डूइंग आवर बिजनेस एंड वी गो बैक टू आवर प्लेसेस एंड द डे इज डन, द इवेंट इज डन। द अदर वे टू डू इज दैट वी इंटरैक्ट, वी कैन डू लाइक हैव अ टू वे कम्युनिकेशन, वी मेक न्यू फ्रेंड्स, न्यू बॉस, एंड वी डू अ लिटिल बिट ऑफ चैट सेशन एज़ वेल। एंड टू रैप इट अप इन वन वर्ड, आई थिंक इट इज क्रिटिकल दैट वी one involve local communities and so democratize tourism so that you give the local communities some stake in involvement. This will be a trend for times to come where influencers will drive travel trends. Sir, influencers ke bare mein bol rahe hain bhai log. Electric skyways, but I can do this and use it in Bangalore, not yet from industry setting. You know, guys who are especially younger to me, I think India is probably the best position ever when it comes to outbound travel / inbound aviation, whatever you might call it. I think especially, no offense to China. You know, already starting with what you said, when we mentioned degrowth, there is no degrowth. Essentially means you cannot have infinite growth on a planet that is finite. We have finite resources and you cannot expect infinite business growth, infinite economic growth on a planet that does not support that at a scale and speed at which it cannot function, which is what is happening right now. That's when the growth becomes unsustainable. So when we talk about degrowth in tourism, there's a lot of, I mean, I'm sure we've heard of regenerative agriculture. In terms of agriculture, that's when regeneration gets spoken of a lot. But when it comes to tourism, we don't talk about regenerative tourism enough. It's essentially